भजन संहिता अध्याय 94, भजन संहिता अध्याय 94। हे यहोवा, हे पलटा देने वाले परमेश्वर, हे पलटा देने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्याय, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिटाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं, वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं और बपमुओं को मार डालते हैं और कहते हैं कि यह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खो, तुम कब तक बुद्धिमान हो जाओगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। हे यह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा कि मेरा पाव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि हो सकती है? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है, और उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है, और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा।